प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, फर्स्ट ईयर में भी आप एक क्षेत्र पढ़ के आए हो, गुरुत्वीय क्षेत्र। तीन ही क्षेत्र पूरा पढ़ना फिजिक्स में, गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र। तो गुरुत्वीय क्षेत्र तो पढ़ के आ गए हो, बड़े अच्छे से पढ़े हो ईमानदारी से, आपको पता ही है। बाकी आप सेकेंड पढ़ने जा रहे हो वैद्युत क्षेत्र, उसके बाद एक बचेगा चुंबकीय क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र को अच्छे से पढ़ लो तो आपका बेड़ा पार है, बेड़ा पार है। ठीक है, कोई भी चाहे आईटीजी में सोचे नीट हो, ये तीनों क्षेत्र से आपके अधिकतम क्वेश्चन आने ही है। और इंटर में जो फर्स्ट पार्ट है वो यही दो पार्ट क्षेत्र पढ़ना है आपको, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो पढ़े थे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, ये बताए थे ना, इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। इसका मतलब ये हो गया क्यू नॉट आपका धन परीक्षण आवेश है। धन परीक्षण क्यों परीक्षण आवेश कहते हैं, क्योंकि इसे हम चेक करते हैं कि किसी आवेश के कारण वह वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं धन परीक्षण आवेश। ठीक है, अब किसी भी वैद्युत क्षेत्र में जब हम दूसरा कोई आवेश ले जाएंगे तो उस वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर एक बल लगेगा। अगर उस बल का मान पूछता है तो एफ इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू पी, बोलो। ठीक है, इसके पहले आप पढ़े थे कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान कैसे निकाले थे आप, कूलाम के नियम से। तो उस कूलाम के नियम से निकाले थे 1/4πε0q1q2r2। लेकिन यहां पे है कि वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई एक आवेश रखा हुआ है, उस यूनिट आवेश पर, उस एकांक आवेश पे जो बल लगेगा उसका मान क्या होगा, एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई। अगर धन परीक्षण क्यू नॉट लिए हो तो क्यू नॉट ई होगा, क्यू लिए हो तो क्यू ई होगा। ठीक है, अब इसके बाद में बताया था कि अगर कोई एक पॉइंट चार्ज क्यू है, अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से कहीं पे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हम इस पॉइंट चार्ज की वजह से यानी इस बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर एक बिंदु ले लिए थे क्या पी, और यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाले थे कितना बताओ, बताइए। किसी बिंदु आवेश के कारण यानी किसी एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकाले थे, 1/4πε0q/r2। बोलो, ये समझ में आया था, ए डेरिवेशन आपको कराए थे। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला याद रखिए, E=1/4πε0q/r2। इसकी दिशा किधर होती है ध्यान रखिए, दिशा, दिशा किधर होती है, किधर होती है, धन से ऋण आवेश की तरह। जैसे मान लो अगर एक कोई प्लस आवेश लिए हो और हम कहें कि इस प्लस आवेश के कारण अगर किसी बिंदु पर, जैसे मान लो किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर हमको इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तो होगा लेकिन उसकी दिशा किधर होगी, बाहर होगी, दाएं होगी, लेफ्ट होगी, ऊपर होगी, नीचे होगी, किधर होगी, किधर होगी, प्लस आवेश के कारण बाहर की तरफ होती है, किधर होगी, प्लस आवेश से बाहर की तरफ, मतलब ए हो गया, ए डायरेक्शन होगी। समझो, जैसे अगर कोई प्लस चार्ज है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, बाहर की तरफ होगी, किधर होगी, बाहर की, कहीं पे अगर ऊपर निहालोगे तो भी बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, और माइनस अगर क्यू आप लेते हो और यहाँ पे यहां से आर दूरी पर अगर कोई बिंदु पी है और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इसके वजह से, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ, ये ध्यान देना, माइनस मतलब अंदर की तरफ, यानी तीर किधर होगी, आवेश की तरफ होगी। और इसमें आवेश से ये समझ लो, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल से आप लगाएंगे तो अगर ये डायरेक्शन सही से आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो न्यूमेरिकल कट ही नहीं आएगा। इसलिए पहले आप दिमाग में सेट करो कि प्लस चार्ज है तो वैद्युत बल की दिशा बाहर की तरफ, माइनस आवेश है तो अंदर की तरफ। सीधे बल की तरह होता है, जैसे दो प्लस आवेश ले लो तो दोनों के कारण जो प्रतिकर्षण बल लगता है उसकी दिशा किधर जाती है, बाहर की तरफ। लेकिन अगर माइनस चार्ज ले लो, प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज की वजह से जब माइनस चार्ज लगेगा तो आकर्षण होगा ना, आकर्षण होगा ना, तो एक तरह से देखा जाए तो बल की दिशा की तरह होती है। ठीक है, तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ और माइनस आवेश के कारण अंदर की तरफ, इसमें कोई डाउट। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, इसी को जब हम सदिश रूप में पढ़ेंगे वेक्टर के फॉर्म में, जैसे आप पढ़े थे ना फोर्स, फोर्स का वेक्टर फॉर्म में बताया था क्या, एफ इक्वल टू 1/4πε0q1q2r वेक्टर का क्यू, और यहां पर r वेक्टर बताया था, याद है, क्यों हुआ था ये, इसलिए हुआ था कि देखो
इसी तरीके से इसलिए हुआ था, देखो इसी प्रकार से हम लिख दे रहा हूं E इक्वल टू क्या होगा, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान मॉड ऑफ आर क्यू इंटू आर वेक्टर। ये क्यों हुआ है देखो यहां पे, इसको हम इस फॉर्म में जब वेक्टर के, वेक्टर का यूज मतलब एकांक वेक्टर साथ में लिखते हैं, वेक्टर की दिशा यानी दिशा बताया जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, बल यहां निकाल रहे हो तो बल की दिशा के साथ लिखना है, तो इसको क्या लिखोगे इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान वेक्टर पे क्या लिखते मॉड ऑफ आर स्क्वायर लिखते ना, और यहाँ पे डायरेक्शन दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर लिखते आर कैप लिखते, एकांक सदिश कहते हैं, क्या कहते हैं इसको एकांक सदिश। और आप फर्स्ट ईयर में पढ़े एकांक सदिश की वैल्यू निकालने के लिए, अगर मान लो वेक्टर ए है और बे का एकांक सदिश निकालना क्या लिखते हो वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखते हो ना, तो ऐसे ही जब आर वेक्टर यहां लिख दिए, आर यूनिट वेक्टर लिख दिए, एकांक सदिश लिख दिए, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर, आर वेक्टर का मॉड ऑफ स्क्वायर तो है, लेकिन जब एकांक वेक्टर का लिखोगे क्या लिखोगे आर वेक्टर अपान मॉड ऑफ आर वेक्टर, तो यहाँ पे ऑलरेडी आर स्क्वायर है मॉड का, और फिर ये करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा। अब यहाँ मतलब यही है, देखो जो यहाँ लिखा गया क्यू अपन आर स्क्वायर, अगर यही हम क्या करना है आर यूनिट वेक्टर करना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए। तो कब लेंगे जब थ्री डी में जाओगे, ठीक है, जब एक से अधिक पॉइंट दिए होंगे उनका कोऑर्डिनेट वगैरह निकालोगे तो जहां क्वेश्चन आएगा वहां हम बताएंगे, लेकिन ये भी फार्मूला होता है, ये चीज आप दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बल की वैल्यू हम बताए थे इसलिए आवेश की वैल्यू भी आपको याद रखना है, ठीक है, तो ये सब चीजें तो हम बता ही दिए थे, इसको नोट भी कर लियो आप। चलिए नेक्स्ट इसलिए रिविजन कर देते हैं कि एक बार आप उससे कनेक्ट हो जाए, उस पॉइंट से कनेक्ट हो जाए क्या पढ़ रहे हैं। अब आप पॉइंट देखिए, इसको नोट करिए, अगर मान लो कि अगर ये कोई चार्ज यहां पे Q1 है, क्या है Q1 है, यहां से R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहां पे केवल एक आवेश है, लेकिन इससे मान लो इस बिंदु से कई सारे आवेश हो जाए, मान लो यहां पर हम ले लिए क्या Q2 और इसकी दूरी क्या है R2, यहां पर मान लो क्या ये Q3 हो गया और इसकी डिस्टेंस क्या है R3, और यहां पर हम क्या ले लिए Q4 और यहां पर डिस्टेंस क्या हो गया R4, तो हम कहें कि इन सभी आवेशों के कारण यह वैद्युत क्षेत्र होगा ना भाई, अगर एक आवेश के कारण या इसके आवेश के कारण अलग अलग आवेश के कारण यह वैद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं होगा, तो हम कहें कि उसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ध्यान दो, अभी इस पे न्यूमेरिकल्स लगाओगे तो और क्लियर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एक आवेश के कारण या वैद्युत क्षेत्र निकालोगे, फिर दूसरे आवेश के कारण निकालोगे, फिर तीसरे आवेश के कारण, फिर चौथे आवेश के कारण, और सबको हम वेक्टर सम कर देंगे, सदिश सम करेंगे, सदिश के रूप में जोड़ेंगे, बीजगणित योग नहीं, बीजगणित योग में क्या होता है प्लस प्लस माइनस माइनस एक साथ ऐड कर देते हैं, लेकिन इसमें दिशा के साथ हम ऐड करते हैं, जैसे अगर मान लो कि ये सब प्लस चार्ज है, ये सब क्या है प्लस चार्ज है, तो इस प्लस आवेश के कारण यानी धन आवेश के कारण यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र होगी उसकी दिशा किधर होगी बताओ, बाहर की तरफ होगी, बोलो ये समझ रहे हो ना, इस प्लस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्रीयता किधर होगी बाहर की तरफ, और इसको हम क्या कहेंगे E1। अच्छा इसके कारण, और ये भी ध्यान देना दिशा हमेशा जो लाइन ज्वाइनिंग होगी, जो लाइन दोनों को जोड़ेगी उस लाइन के ही एलांग होगी, उसी डायरेक्शन होगी, ये नहीं है कि मतलब ये ऐसे जा रहा था हम ऐसे बना दें बाहर, तो ऐसा नहीं, उसी के उसी लाइन में ही होगी, ठीक है, जैसे मान लो क्यू टी की वजह से अगर यहाँ निकाल रहे हो तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी भाई, प्लस चार्ज ये भी है तो ये भी किधर होगी बाहर की तरफ होगी ना, समझ पा रहे हो, इसकी वैल्यू क्या हो गई ए टू। अच्छा ये क्यू थ्री है, इसके वजह से निकालोगे तो इसकी डायरेक्शन ये भी बाहर की तरफ जाएगा, ये वैल्यू क्या हो गया थ्री, क्यू फोर वजह से निकालोगे तो ये और ये हो गया, अलग अलग निकाल दिए ना, अलग अलग वजह से निकाले और सबकी डायरेक्शन क्या है अलग अलग है, सबका डायरेक्शन अलग अलग है, देखो ये इधर है इधर है, तो अब इसको हम कहीं ऐसे नहीं है कि E1, E2, E3 जोड़ देंगे, अब इसको हम वेक्टर रूप में जोड़ेंगे,
दो दो वेक्टर को लोगे, ऐड करेंगे यानी सदिश के रूप में जोड़ेंगे, तो टोटल हमको इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। यानी अगर इस बिंदु पर हमको अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो क्या लिखोगे, वेक्टर ई पी, पी बिंदु पर इक्वल टू वेक्टर ई वन, सदिश रूप में जोड़ेंगे, किस रूप में, सदिश रूप में, ई टू प्लस ई थ्री प्लस और भी बहुत सारे अगर हो एन तक हो तो सभी चार्ज की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर अब हम सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, सबको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। या फिर इसी को क्या लिख सकते हो, ईपी इक्वल टू यहाँ पे वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया कॉमन, यहाँ पे क्या लिखोगे, क्यू वन अपान आर वन स्क्वायर प्लस क्यू टू अपान आर टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 क्यू एन अपान आर एन का स्क्वायर, ये टोटल आपका क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर, हालांकि हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो हेडिंग लिख लीजिए, बिंदु आवेशों के कारण, बिंदु आवेशों के कारण, हेडिंग लिख लीजिए, क्या लिख रहे हो, बिंदु आवेशों के कारण, अब एक आवेश नहीं है, पहले बिंदु आवेश पढ़े थे, अब क्या पढ़े हो, बिंदु आवेशों के कारण, के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसी को कहते हैं क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। बाकी इसको बना लीजिए और लिख लीजिए, हो गया। अब इस पे क्वेश्चन बताए, ये तो केवल मैं बताया हूं कि एक सिंपल सा, देखो इसका यूज अब है, या केवल मैं बताया हूं कि अगर कोई एक बिंदु है और उसके चारों तरफ कई सारे आवेश हैं तो अलग अलग आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल के सबको हम जोड़ देंगे। अब इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान दीजिए, मेन यही है आपका क्वेश्चन, और एक ऐसा पॉइंट है जो आपके बोर्ड में भी और तमाम सारे एग्जामों में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो ध्यान दो। जैसे अगर मान लो हम ये कहें कि यहाँ पे दे दिया कि 5 × 10⁻¹⁹ कूलाम ले लो, कितना 9 कूलाम, या 19 कूलाम ले लो, क्या ले लो 19 कूलाम, ठीक। और यहां से 2 मीटर की दूरी पर, कितने 2 मीटर की दूरी पर हम ले लिए प्लस 20 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ये दो चार्ज हो गए, 5 × 10⁻¹⁹ और 20 × 10⁻¹⁹, समझ रहे हो, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 2 मीटर। अब हम ये कहें कि इन दोनों के बीच, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, यानी वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जहां वैद्युत क्षेत्र क्या हो, वैद्युत क्षेत्र शून्य हो। अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन से आगे बढ़ रहे हैं, सुनो समझ में आया, तो हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र शून्य कैसे होगा भाई, दोनों आवेशों के कारण कहीं पे भी आप एक बिंदु लोगे जहां पर वैद्युत क्षेत्र हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है और हमको ये शो करना है कि वहां पे वैद्युत क्षेत्र शून्य है, तो हम क्या करेंगे बताओ, ये पूरा डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, ये तो समझ रहे हो ना आप, तो हम क्या करते हैं किसी भी आवेश से, चाहे इस आवेश से या इस आवेश से, तो मान लो हम अगर इस आवेश से कहें कि x दूरी पर, क्या मानोगे, x दूरी पर एक बिंदु क्या है P, जहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या है शून्य है, ठीक है। लिखोगे हम ना, क्या लिखोगे, माना 5 × 10⁻¹⁹ कूलाम से x मीटर की दूरी पर, x मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र क्या है शून्य, वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ठीक है। ये आप लिखेंगे, जैसे बोर्ड एग्जाम जब देना होगा तो ये सब स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में तो सीधे वैल्यू रखो आंसर। तो अब यहां से x दूरी पर कहां निकालना है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या माने हो शून्य, तो इस बिंदु के चारों तरफ बताओ कितने बिंदु है, कितने आवेश है, दो है ना, तो इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा
वह दोनों आवेश के कारण होगा कि नहीं होगा? तो दोनों आवेश के कारण अलग अलग विद्युच्छेद निकालोगे कि नहीं निकालोगे? ये समझ में आ रही लाइन? इसके पहले भी तो ही बताया हूं कि कोई अगर बिंदु है उसके चारों तरफ जितने आवेश हैं सभी आवेश के कारण अलग अलग वैद्युत तीव्रता निकालोगे, वही काम यहाँ पे भी करना है, ठीक है। यानी इस बिंदु पर इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र होगा और इस बिंदु पर इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र होगा, ये पता है ना। अब बताओ इसके वजह से जब यहाँ वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो इसकी दिशा किधर होगी? ये प्लस आवेश है, बताओ किधर होगी? तुम लोग कोई बताया किधर होगी? किधर होगा? बाहर की तरफ। यानी इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगी दिशा होगी ये बाहर की तरफ होगी। बोलो ये समझ में आ रहा लाइन? क्यों इसका डायरेक्शन बाहर है? क्योंकि ये प्लस है। इसकी वैल्यू क्या ले लो? ई वन। क्या ले लो? ई वन, ठीक है। इसके कारण भी यहां वैद्युत क्षेत्र होगा, ये कौन सा आवेश है? तो इसके कारण किधर होगा दिशा? बाहर की तरफ। तो इसके कारण भी इधर होगी। बोलो यल बनाने में किसी को कोई दिक्कत होगी इस तरह का? कोई क्वेश्चन अगर दे दिया जाए किसी बिंदु पर तो आवेश के कारण दिशा बना लोगे? दिशा बना लिए तो आधा काम खत्म। अब आप इसके वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो E1। भाई इसके वजह से क्या माने हो? E1। तो क्या लिखोगे बताओ? 1/4πε0 q/r2। तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है? क्या है? 5 × 10⁻¹⁹। 10⁻¹⁹। एक काम और कर सकते हो, अगर हम इसको 9 कर दें, क्या कर दें? काइंड कैलकुलेशन में क्या हो जाएगी? थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। और क्वेश्चन में आपका ये 9 दिया भी है, ठीक है, हम 9 पहले लिखे भी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हालांकि 90 करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अपान, अपान दूरी कितना है बताओ? कितना है? तो क्या लिखोगे? x2। अरे भाई यही पढ़े हो ना, E = 1/4πε0 q/r2, यही पढ़े हो ना। तो 1/4πε0 की वैल्यू क्या रखा गया? 9 × 10⁹ और q की वैल्यू 5 × 10⁻⁹ और इससे ये दूरी कितनी है? x। ये तो इवन निकल गया। अच्छा E2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? E2 की वैल्यू क्या लिखोगे? 9 × 10⁹ इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है? 20 × 10⁻⁹। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, यह पूरा दूरी कितना है? यह दूरी कितना है? तो यहां से यह दूरी कितना बचेगा? भाई यहाँ पूरा दूरी 2 मीटर है और ये दूरी x है, तो 2 में से x को घटा दो तो ये दूरी कितना बचा? 2 − x। इसमें किसी को कोई संदेह? कोई संदेह दूरी में? ठीक है। तो अब यह वैल्यू यहीं पर रख दोगे, क्या रखोगे? 2 − x² अब यहाँ पे देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, विपरीत है कि नहीं है? और अगर दोनों विपरीत है, दोनों को एक दूसरे में घटाओगे तो दोनों की वैल्यू हमेशा शून्य आएगा, तभी हम कहेंगे कि अब यहाँ पर शून्य है। तो दोनों की मान क्या होना चाहिए? बराबर। रियल में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य तभी होगी जब उस बिंदु पर जितने भी आवेश हैं उन सभी आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का योग शून्य हो। तो योग शून्य कब होगा? जब दोनों की दो आवेश हैं, दोनों आवेशों का कारण जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का अंतर, अंतर मतलब सम करोगे तो दिशा विपरीत होगा। तो जब विपरीत होगा तो दोनों में माइनस करोगे तो मान कितना आना चाहिए? 0। यानी दोनों की वैल्यू सेम रहेगा तभी तो 0 आएगा। अरे भाई यहाँ पे 0 कब आएगा? जब E1 और E2 की वैल्यू सेम हो और दिशा विपरीत हो। तो या ये भी कह सकते हैं कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य तभी होगा जब सभी का योग शून्य हो। E1 + E2 = 0, नहीं समझे? यानी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य तभी होगी जब E1 = ऐसे जान लो E1 = E2, ये याद रखो। किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य कब होगी? जब E1 = E2। तो E1 की वैल्यू क्या रखोगे? 9 × 10⁻⁹ × 10⁻⁹ x² = यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 9 × 10⁻⁹ × 20 × 10⁻⁹ 2 − x का
अब ये बताओ ये दोनों साइड में जो बराबर होते हैं उसको हम कट कर देते हैं, तो ए हो गया कैंसिल, यह भी हो गया, पांच से बीस जाएगा पहाड़म आएगा पंचों को बीस, यहां बच गया चार। अब यहां पे क्या लिखोगे बताओ, वन अपान एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहां पे चार बटे टू माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हो, टू अपान टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर करोगे तो टू का फोर हो जाएगा। अब यह स्क्वायर से स्क्वायर ये नहीं है कि हम नीचे दिया यहां दिया कट कर दोगे, ऐसे नहीं होता, पूरे का स्क्वायर होना तभी आपस में कैंसिल होगा। तो अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा बताओ, इसका मल्टीप्लाई करो, टू माइनस एक्स इजकल टू टू एक्स, या टू इजकल टू इसको इधर लाओगे क्या होगा, माइनस को उधर लाओगे क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस एक्स को लाओगे यहाँ प्लस एक्स लिखोगे, तो टू एक्स और एक एक्स इजकल टू थ्री एक्स, या एक्स इजकल टू क्या हो गया बताओ, टू बाई थ्री, ये आपका आंसर होगा, टू बाई थ्री मीटर पर, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आई, टू बाई थ्री। टू बाई थ्री दूरी कहां से आया है, फाइव इंटू टेन पर माइनस नाइन से, कहां से आया है, फाइव इंटू टेन पर माइनस नाइन से टू बाई थ्री दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अच्छा अगर इधर से निकालना हो तो क्या करोगे, यहाँ टू बाई थ्री से माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, फोर बाई थ्री, फोर बाई थ्री आएगा ना, अरे भाई टू माइनस टू बाई थ्री, थ्री टू सिक्स, सिक्स माइनस टू यानी फोर बाई थ्री, ठीक है, फोर बाई थ्री और थ्री को ऐड करो देखो वही आएगा वन टू मीटर ही आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, अगर इस आवेश से पूछेगा तो टू बाई, अगर इस आवेश से क्वेश्चन में दे दिया तो क्या करोगे, टू माइनस एक्स कर दोगे, टू माइनस एक वैल्यू रख दोगे तो जो आएगा वो दूरी हो जाएगी। समझ में आ रहा है, नोट करो इसको, तुम नोट करो, अभी एक एक क्वेश्चन लगेगा, प्रैक्टिस अधिक से अधिक कराते हैं क्योंकि मुझे पता है तुम लोग का न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बात नहीं करो, अगर मान लो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये प्लस सोलह कूलम है, कितना प्लस सोलह कूलम, और यहां से आठ मीटर की दूरी पर कितने, आठ मीटर की दूरी पर आप मान लो माइनस नौ कूलम दिया है, ध्यान देना ये प्लस है और ये माइनस है, फिर हम कहें कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, यानी वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो ये तो प्लस है और ये माइनस है। तो देखो इसके दो तरीके, मीड में भी करके कर सकते हो, लेकिन ऐसा आसान तरीका ये है कि अगर मान लो तुम किसी से मान लो इसी से मान लो अगर एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट बीच में अगर लेते हो, इन दोनों आवेशों के बीच में कहीं पर लेते हो, मान लो पॉइंट पी हो गया, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो प्लस के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, बाहर होगी, और माइनस के कारण इसके अंदर होगी, तो दोनों एक ही दिशा में हो गया ना, तो दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, हालांकि ऐड करने के बाद भी प्लस माइनस मतलब आ सकता है आंसर, लेकिन यहाँ पे आपकी गलत होने की संभावना है अधिक है। देखो कि दोनों आपस में ऐड होंगे, जब दोनों आपस में ऐड होंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे बताओ, हाँ देखो इसलिए हम क्या करते हैं कि इन जब दोनों अपोजिट होंगे यानी दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, ये देखो दोनों विपरीत है कि नहीं, ये प्लस है और ये माइनस, जब प्लस और माइनस होगा तो हम इनके बीच में नहीं लेंगे, कहाँ लेंगे, बाहर लेते हैं, और किससे, जो कम वाला आवेश हो, जैसे मान लो ये सोलह है और ये माइनस है नौ है, तो क्या करते हैं इसी से आप ले लो कितने दूरी पर, एक्स दूरी पर ले लो कोई पॉइंट पी है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, कब लोगे बाहर, जब दोनों विपरीत प्रकृति के होंगे, प्लस माइनस या माइनस प्लस, लेकिन अगर प्लस प्लस है और माइनस माइनस इन दोनों सेम प्रकृति के हैं तो बीच में भी आप ले सकते हैं, वो बीच में लेके आप सॉल्व करोगे, लेकिन अगर दोनों विपरीत प्रकृति के हैं तो हमेशा कम आवेश से बाहर ले लो आप। तो अब यहां से मान लो कि यहां से x दूरी पर माने यहां से x दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और हम मान लेते हैं कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो इस बिंदु पर इसके वजह से वैद्युत क्षेत्र होगा, और इसके तो जब इसके वजह से निकालोगे तो इसकी दिशा किधर होगी बताओ, बाहर की तरफ होगी, कोई दिक्कत, ये मान लो क्या हो गया ई वन, अच्छा, और माइनस की वजह से किधर होगी, अंदर की तरफ, तो ये होगा ना, ये हो गया क्या E2,
तो अब एक चीज बताओ, जब हम इसके वजह से इस बिंदु पर हम निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 8+x, समझ रहे हो कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि यह दूरी कितनी है, 8 है, और यह दूरी कितनी है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, तो E1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 9 × 10⁻¹, किसकी वैल्यू है, 9 × 10⁻¹ किसकी वैल्यू है, 1/4πε₀ की, किसकी वैल्यू है, 1/4πε₀ की वैल्यू 9 × 10⁻¹ 9 × q, q की वैल्यू 16 किसकी दूरी, 8+x का होल स्क्वायर, 8+x का, बोलो इसमें कोई डाउट, ठीक है, कोई डाउट है, अच्छा नहीं, d2 इक्वल टू क्या लिखोगे, 9 × 10⁻¹ इंटू क्यू की वैल्यू 9, q2 की वैल्यू 9, और दूरी कितना है, x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों की वैल्यू शून्य होगी कब, जब E1 इक्वल टू E2, तभी तो होगा, तभी तो माइनस करोगे तो शून्य होगा, तो E1 इक्वल टू E2, तो E1 की वैल्यू रखो 9 × 10⁻¹ × 16/8+x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 × 10⁻¹ × 9 × 9/x का स्क्वायर, यह हो गया कैंसिल। अब 16/8 है तो इसको क्या लिख सकते हो, 4/8+x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इसलिए करते हैं कि दोनों साइड में जब होल स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर यानी कट जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो गया, 3/x का, यह हो गया, तो क्या बचा, 4/8+x, और यहाँ क्या बचा, 3/x, तो अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या लिखोगे, 4x इक्वल टू इसका इसमें करोगे तो 8 × 3 = 24 +3x, ठीक है। इसको इधर लाओ तो कितना हो गया, x इक्वल टू 24 मीटर, x इक्वल टू 24 मीटर, यानी यह वैल्यू कितनी लिया, 24, यानी -9 कूलाम से कितने दूरी पर आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, 24, अच्छा, और 16 से अगर इससे पूछा जाए तो कितना होगा, अरे 8 में 24 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, यानी यहां लिखोगे आंसर में क्या होगा, 16 कूलाम से 32 मीटर, क्यों 32 मीटर, क्योंकि अरे 8 है और ये वैल्यू कितने का है, 24, और -9 कूलाम से पूछा जाए तो कूलाम से 24 मीटर की दूरी पर, समझ पाए, ये आपका आंसर हो गया। यानी जब भी दो विपरीत आवेश हो तो हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर लेंगे, मान लेते हैं कि वहां पे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होगी, ठीक है, और कम आवेश से, बाकी जब दोनों समान प्रकृति के हो और विपरीत प्रकृति के हो तो दोनों को बीच में हम ले लेते हैं कहीं पे भी x दूरी पर। हमें लगा कि नहीं समझे तुम लोग, समझ गए, ये सब एक बार और पढ़ेंगे सब तब समझेंगे सर, क्योंकि इतना 24 मीटर कैसे आया है, एम नहीं है, मीटर है, अच्छा हाई समझे हो, हाई ए, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 4 का करोगे तो कितना हो गया, 4x, फिर इसका इसमें करोगे तो 8 × 3 = 24 +3x, अब 3x को इधर लाओगे तो प्लस है ना, तो 4x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, x 24 मिल जाता है ना, तो दूर का ढोल सुहावन होता है, और नजदीक में कोई चीज मिल जाती तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, यहाँ पे 4 नवा लोग जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप जैसे मान लो कि एक ट्राइंगल ले लिए, क्या ले लिए, ट्राइंगल ले लिए, ध्यान देना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसकी पूरी साइड कितनी है, 0.1 मीटर, कितना है, 0.1 मीटर, जब पूरी साइड 0.1 मीटर है,
तो इसका मतलब कौन सा त्रिभुज हो गया? शंभा। ठीक है, और इस कार्नर पर, इस कार्नर पर हम मान लो ले लिए प्लस 10^-8 कूलाम का आवेश। कितना ले लिए? 10^-8 का कूलाम, और यहां ले लिए -10^-8 कूलाम का आवेश। ठीक, और यहां पर हमने तीन बिंदु दिया, पहला इसका मिड पॉइंट पर हमने दे दिया पॉइंट ए, और यहां पर 0.05 मीटर पे पॉइंट बी, और यहां पे दे दिए पॉइंट सी। अब क्वेश्चन है कि चित्र में क्या क्या दिया है, ए बी और सी। ए बी और सी बिंदु पर, और सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तीव्रता ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन। समझ पाए क्वेश्चन? अब बताओ सबसे पहले कहां निकालो? बिंदु ए पर। तो बिंदु एक ए पर निकालना, एक राउंड कितने चार्ज है? एक और दो। ये कहां है? मिड पॉइंट में। कहां पे है? ये पूरा दूरी इनके बीच का कितना है? तो यह दूरी कितना होगा बताओ? आधा कर दोगे 0.1/2, कितना होगा 0. यह दूरी कितना होगा? 0.05, और यह भी दूरी कितनी होगी? 0. बोलो, इसमें किसी को कोई संदेह? मीटर मीटर होगा। ठीक है, अब इस बिंदु पर इसके कारण जब वैद्युत क्षेत्र निकालोगे, क्योंकि ये प्लस आवेश है, क्या है? धन आवेश है, प्लस आवेश है। इस धन आवेश के कारण जब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालोगे, तो इसकी दिशा बाहर की तरफ होगी। बोलो, ये मान लो E1, क्या हो गया? E1। इसके वजह से जब इस बिंदु पर निकालोगे तो अंदर की तरफ, अंदर मतलब ये हो गया। बोलो, ये हो जाएगा ना, ये हो गया E2। समझ में आया? अब जब टोटल नेट निकालोगे तो E=, क्या लिखोगे? EA, A पर नेट, तो क्या लिखोगे? E1 प्लस, क्यों प्लस लोगे? क्योंकि दोनों की दिशा सेम है, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। या EA=, क्या लिखोगे बताओ? अब इस E1 की वजह से निकालोगे, क्या लिखोगे? ध्यान दो, E1 की वजह से जब यहां वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे? 9×10^9 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भी आएगा, और तो एक कॉमन ले लो। T1 की वैल्यू क्या बचा? 10^-8 अपान कितना स्क्वायर? 0.05 का स्क्वायर। बोलो, प्लस यहां पर भी क्या होगा? 10^-8 अपान 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों का एलसीएम नीचे देखो सेम है, तो EA=, क्या हो जाएगा बताओ? 9×10^, ये -8 है, दोनों को जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, 2×10^-8 हो जाएगा ना, या फिर इसको बाहर ले लो कॉमन करके, तो 10^9 और 10^-8 है, तो 90 हो जाएगा ना। इसको हम क्या लिखना है? 90×, कितना हो गया? 2, कितना हो गया? 2 अपान 0.05 का होल स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.25, तो उसको हम लिख सकते हैं 25×10^-4। नहीं समझे, देखो इसको, देखो आप एक बार, नहीं समझे तो एक स्टेप देखो, ये 9×10^9, ये समझ में आ रहा है ना? ये समझ में आया? अच्छा, इसमें 10^8 कॉमन ले लो, यहां पर क्या लिख दो? 10^-8, तो यहाँ क्या बच गया? 1, और यहाँ पे भी क्या बचा? 1। नीचे देखो, जब हर समान होते हैं तो दोनों का आपस में जोड़ दिया जाता है, तो 1 और 1 क्या हो गया? 2, और नीचे क्या बच गया? 0.05 का स्क्वायर। तो अब 0.05 का स्क्वायर जब करोगे, 0/0 और 0.05 में गुणा करोगे, क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, तो 50 25 हो गया।
लेकिन दशमलव कितने स्थान पर होना चाहिए? चार स्थान पर। तो एक और दो तो है, इसलिए दो शून्य बढ़ाओगे तो चार स्थान पर हो गया, 0.0025 और यहाँ जीरो हो गया। तो इसको हम लिखते हैं एक दो तीन चार, तो 25 × 10 पे माइनस उतना ही घट जाता है, 0.05 का मल्टीप्लाई करोगे तो होगा कि नहीं होगा। अब ऐसे नहीं 50-25 सीधे लिख दोगे, 25 तो लिख दोगे लेकिन देखोगे कि एक दो तीन चार स्थान पर दशमलव हो रहा है, इसलिए चार स्थान पे रखोगे। बोलो तो इसीलिए यहां पे क्या लिख दिया, 25 × 10⁻²। ये कितना हो गया बताओ, 180 × 10⁴ अपॉन 25 × 175, 25 × 175 = 5। दशमलव रखोगे तो 50 × 10⁴ न्यूटन कूलम, ये आंसर हो गया न्यूटन पर कूलम। ध्यान नहीं दिया हूं यार, ठीक है। ए की वजह से क्या निकला, ए निकला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली, किसके पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, ए पर। बोलो ये समझ में आया, लिखो फास्ट इसको, फिर बी पर बता, सी पर बता। चलो इसको फास्ट में बता देता हूं, बी पॉइंट पे बताओ क्या होगा, बी पॉइंट पे क्या होगी, इसके वजह से इस आवेश के वजह से लगेगा किधर जाएगा, बाहर की तरफ, और उसकी वजह से, अरे माइनस है तो अपनी तरफ जाएगा, इसके वजह से हो गया, ठीक। तो अब बताओ इसके वजह से जब आप निकालोगे ईबी इक्वल टू, यहां लिख दे रहा हूं, क्या लिखोगे, 9 × 10⁹ कॉमन ले लेते हैं। बोलो यहां क्या बच गया, 10⁻⁸ अपॉन 0.05 का स्क्वायर, ठीक। अच्छा ई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 10⁻⁸, लेकिन यह अब यहां से यह दूरी लेना है तो 0.05 और 1 कितना हो गया, 0.15 का स्क्वायर। बोलो नहीं होगा, अरे भाई इस बिंदु पर निकालोगे तो 0.05 इसके वजह से हो गया, लेकिन जब इसके वजह से निकालोगे तो यह वैल्यू 0.1 है, 0.05 ऐड करोगे तभी तो होगा। तो ए हो गया ई बी 9, सीधे 90 लिख देता हूं क्या, नहीं चलो 90 लिख देता हूं, और यहां क्या हो गया बताओ, जैसे चलो लिख देता हूं एक लाइन और, ई बी इक्वल टू हो गया 9 × 10⁹ × 10⁻⁸ का मान ले लो, और यहां बच गया क्या, 1 अपान क्या लिख सकते हैं, 25 × 10⁴ माइनस यहां पे क्या लिख सकते हैं, 225 × 10⁻⁴। हाँ तो कितना हो गया, ए हो गया, एक में किया था, 10⁻⁴ क्या हो जाएगा बाहर, तो कितना हो गया, 9 × 10⁻⁰ बचा, और इसको ऊपर ले जाते हैं 10⁴ हो गया। देखो यहाँ पे 25 × 10⁻⁴ यहाँ लाओगे तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ क्या बच गया बताओ, एलसीएम 225 और बाकी 225 × 225, तो ये कितना बचा बताओ, ई बी इक्वल टू 9 × 10⁵ × 8 अपान 225। इसको सॉल्व करो कितना होगा, 9 × 72 = 720 × 10⁴ लिख देते हैं, बाकी ये 225 से भाग दो कितना होगा बताओ, ई बी इक्वल टू 720 में 225 से भाग दे दो, 3 बढ़ जाएगा, कितना हो गया 675, लगभग 3.6 आएगा आंसर इसका, कितना आएगा, यही आ रहा क्या, 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये आंसर हो गया, ठीक है। नहीं समझ पाए, कठिन है कैलकुलेशन, फिर देखो एक बार, हाई सब समझ पा रहे हो, ईवन की वैल्यू ये हो गई, डायरेक्ट हम लिख दिया ना, E1 की वैल्यू क्या होगी बताओ, 9 × 10⁹ ये हो गया, बाकी Q1 हो गया अपान R², ठीक। बोलो ठीक है, और E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा ये तो इसका बता रहा हूं ना, इसका तुमको देखना है, इसका देखो, इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे क्या लिखोगे,
q1 अपान r स्क्वायर, q अपान तो q की वैल्यू कितनी है 10^-8, r की वैल्यू कितनी है 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्यों किया, क्योंकि एक डायरेक्शन इधर है, माइनस फिर लिखोगे q, q की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10, इसके वजह से निकाल रहे हो, ये हो गया। और दूरी कितना होगी देखो, ये 0.1 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, और आप यहाँ तक आ रहे हो तो ये पॉइंट एस्टिमेट कर दोगे कि नहीं जीरो, तो कितना होगा 0.15 का होल स्क्वायर, 10^-8 दोनों सेम है इसलिए कॉमन हो गया, 9 × 10^9 कॉमन कर लिए, तो यहाँ क्या बच गया 1/0.05 का मल्टीप्लाई स्क्वायर करोगे तो मैं बताया 25 × 10^-4 माइनस 1/15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 होता है, तो ये भी 2 दशमलव पे है, देखो 2 स्थान पे भी, ये भी क्या हो गया 225 × 10^-4। अब यहाँ पे क्या करोगे 10^-4 ये भी बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाहर, जैसे मान लो यहाँ पे बाहर हो जाएगा तो नीचे लिखोगे ना 10^-4, अब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, 10^-4 है तो +4 हो जाता है, जब माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस, और प्लस को ले जाओगे तो माइनस, वो बदल जाता है 10^4 हो गया। बाकी अब देखो यहाँ पे क्या बचा 225 और यहाँ क्या बचा 25 केवल, तो 25 में 225 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा 9 बार, 25 × 9 = 225, 9 × 9 = 9, फिर 225 का 225 में करोगे तो 225 के अंदर 225 एक बचा है, तो 9 − 1 करोगे तो 9 × 10^5 = 9 × 8 = 72, 119 में से ले लो तो 720 हो गया, क्यों लिया है क्योंकि 225 में 72 नहीं जाएगा, आज 0 है मेरे पास तो 1 ले लो 10^4, 225 में 72 का भाग देगा तो 3.6 बार जाएगा, और 3.6 × 10^4 यही आपका आंसर हो गया। कैलकुलेशन देखो कुछ सीखना पड़ेगा तुम लोगों को, जोड़ घटाना गुणा भाग ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये नहीं कि यहाँ पढ़ के गए बैग फेंके और दूथरिया दबाए उसके बाद सो गए। हालांकि देखो कुछ क्या बताएं, ये सिर्फ 9 से लेकर 11 तक इतना मेहनत से पढ़े उसी का रिजल्ट है, काबिले तारीफ। चलिए पॉइंट सी पर आप देखो कैसे आप निकालोगे, ये सी पर इन दोनों चार्जों की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके वजह से निकालोगे प्लस है तो दिशा किधर होगी बाहर की तरफ, माइनस है तो बोलो ये समझ में आ रहा है, या ले लो E1, ये हो गया E2, पहले E1 की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, बताओ कितना होगा 9 × 10^9, यहाँ पर थोड़ा नजदीक लिखना चाहिए 9 × 10^9 × 10^-8 अपॉन 0.1 का स्क्वायर, एज को क्या लिखोगे बताओ, ये हो जाएगा 9 × 10^1 बच्चा, और ये 0.02 का स्क्वायर करो तो 1 × 10^-2 लिखोगे, क्या लिखोगे चलो यहां लिख देता हूं 1 × 10^-2, क्यों 10^-2 होगा, 0.1 में 0.1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 होगा, लेकिन 1 2 2 दशमलव आपका आएगा, तो 1 × 10^-2 इसको ऊपर ले जाएगा क्या बच जाएगा, क्या हो जाएगा 10^3, ऐसे E2 की वैल्यू वही हो जाएगा ना 9 × 10^3 हो जाएगा, क्यों क्योंकि देखो सेम है दूरी भी सेम है, तो यही आपकी E2 की वैल्यू हो गई, ठीक है। और इन दोनों की वैल्यू मान लो E, इसका भी वैल्यू क्या मान लो E, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे देखो, जब भी दो तरीके के बल में आप पढ़े थे कूलम्ब के नियम में बताए थे हम कि अगर दो आवेश ऐसे निकाल रहे हैं दोनों की दिशा ऐसी है तो जहां पे दोनों के टेल मिलते हैं उसके ठीक सामने एक विकर्ण निकलता है और वही उसका हाँ रिजल्ट होता है ई, और उसी की वैल्यू कैसे लिखते हो बताओ, इक्वल टू लिखते हैं √E1² + E2² + 2E1E2cos θ, फर्स्ट ईयर का है ये सवाल, a² + b² + 2ab cos θ, तो थीटा मतलब दोनों के वेक्टर के बीच का कोण, तो दोनों के वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा 120 अंश, कितना 120 क्या होगा क्योंकि ये सब 60 अंश होता है, कितना होता है 60, ये भी कितना है 60, ये भी जब ये 60 है और ये पूरी लाइन कितनी होती है 100, तो 60 निकाल दोगे तो कितना बचा 120 बचा ना। अब वैल्यू यहां पर रख दो E=E1² मतलब E² क्योंकि सेम है इसलिए E मान लिया हूं, हालांकि ये तो अंक लिखो या तो यही लिखो ठीक है, E² + E² +
टू ई स्क्वायर, ई वन ई टू ई स्क्वायर, और कास 120 अंश की वैल्यू माइनस टू, माइनस वन बाई टू, ये हो गया कैंसिल। यहां क्या बच गया, ई स्क्वायर, चलो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, और ये प्लस माइनस है तो माइनस ई स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल। तो ई इक्वल टू क्या बचा, ई बाहर निकल गया, देखो ई स्क्वायर ई बाहर होगा, और ई की वैल्यू कितनी आई है 9 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर कूलम, यही आपका क्या हो गया आंसर। हालांकि शॉर्टकट में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, क्या देखो ये पूरा एंगल कितना है, तो यह एंगल कितना होगा और ये भी एंगल कितना होगा 60। तो अब इसका देखो, इसका भी 36 घटक ए होगा और इसका भी 36 घटक, तो डायरेक्ट अगर एक लाइन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो ई इक्वल टू ई वन टू ई वन कॉस 60 डिग्री, या ई इक्वल टू, आंसर आपका वही है, तो शॉर्ट कट बता रहा हूं, 2 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू कॉस 1/2। देखो ये दो लाइन में आ गया, अगर बेस तैयार है तो, लेकिन तैयार है नहीं है तुम लोग का पढ़ो ये नहीं रहे, क्या बता, ये दो लाइन में देखो आ गया, यही सब दो लाइन में आंसर आ गया। तो हमको तुमको समझाने के लिए लंबा मेथड चलना पड़ रहा है, लेकिन ये भी मेथड आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम भी हो गया ना इसलिए सुपर फास्ट की तरह चल रहा है।